जस्टिस आरसी लाहौटी साहब भी जुड़ गए हैं। गोयल साहब मार्ग का हम जस्टिस कुरियन, हाँ जस्टिस कुरियन जोधेश भी जुड़ गए हैं। वेलकम सर, आई एम ऑलरेडी इन हियर। हाँ वेलकम सर, वेलकम। ओके गोइंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल फाइन। एंड वी स्टार्ट दिस मीटिंग नाउ ऑन बिहाफ ऑफ न्याय चौपाल। आई वेलकम ऑल द 107 पार्टिसिपेंट्स एट दिस मोमेंट। इस बैठक के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और नमस्कार। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए हम इस बैठक का शुरुआत करेंगे। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो। अर्थात सर्व सुख प्रदान करने वाले एवं समस्त आपदाओं से दूर रखने वाले जगत प्रिय सबसे सुंदर उन भगवान श्री रामचंद्र को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे बीच में श्री गुरु गोविंद गोयल जी हैं। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। वैसे तो आप सभी इनके बारे में जानते हैं। गोयल जी हमारे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और ये न्याय चौपाल के आजकल जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये लेखक और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और मैं अनुरोध करता हूँ गोयल जी से कि वो इस कॉन्फ्रेंस का आरंभ कीजिए। धन्यवाद दीपक जी। इस बीच में अपने बीच में श्री कृष्ण जी सिंगल ये संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और फरीदाबाद से अपने साथ इस न्याय चौपाल की बैठक में जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस बैठक में जुड़े इस वर्तमान में 110 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, न्याय चौपाल की ओर से सबका अभिनंदन करता हूं। अपना सामाजिक परिवर्तन और फैमिली डिसइंटेग्रेशन ये दो चीजों के कारण से और वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था है कुछ विवादों का समाधान करने में वो सक्षम नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख के न्याय चौपाल का हम लोगों ने चिंतन करके विचार करके जस्टिस लाहौटी की अध्यक्षता में और जस्टिस लाहौटी के विचार को आगे बढ़ाकर इसका हमने आरंभ किया और इसका विषय महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो आपसी विवाद हैं उनका कम्युनिटी बेस्ड समाधान हो। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवी और अच्छी रेपुटेशन इम्पार्शल रेपुटेशन रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं जिनको हम लोग जोड़कर उनके टैलेंट का सदुपयोग करके आपसी विवादों का समाधान करें, इस प्रकार की परिकल्पना के साथ हम लोगों ने न्याय चौपाल की रचना की। अभी वर्तमान में हमने पिछले 2-3 साल में जब से न्याय चौपाल बनी है बहुत से इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ आपसी परिवार के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट्स का समाधान हम लोगों ने आपस में मिलकर और समाज के भिन्न भिन्न लोगों को जोड़ते हुए उनका समाधान किया है। अभी वर्तमान की जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पिछले 2 महीने से हम सब लोग लॉकडाउन हैं, उसको देखते हुए ये ध्यान में आया कि बहुत सारे विषय इस प्रकार के आज जो नजर आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, वो जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो आज अपने को नजर आ रहे हैं वो कल को विभिन्न प्रकार के विवादों में परिवर्तित होने वाले हैं, ऐसा अपने को लगता है। दे में इरप्ट इनटू डिस्प्यूट्स इन लार्ज नंबर। वो डिस्प्यूट्स किसी प्रकार से हम रोक पाए सामाजिक सोशल इंटरवेंशन से, सभी
स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर उनका कोई समाधान हम किसी प्रकार से सुजेस्ट कर सकें, ऐसा इस परिकल्पना के साथ मुझे ई बैठक के क्रम प्रारंभ करने की योजना बनाई है। जस्टिस लाहौटी के उनके सुजेशन पर हम लोगों ने इसमें ये पहल की है। आज की जो ई बैठक का शुभारंभ जस्टिस लाहौटी करने वाले हैं वो ये ई बैठक का क्रम है। आज की बैठक इनॉग्रल बैठक है। मैं आज की बैठक के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जिनका उद्बोधन जिनका मार्गदर्शन अपने को मिलने वाला है, उनका एक बार संक्षिप्त परिचय हम सबको करवा देता हूं ताकि अपने को ध्यान में रहे। जस्टिस आर सी लाहौटी, आप उच्चतम न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पोजीशन से रिटायर्ड हैं और आप की परिकल्पना से ही न्याय चौपाल की संरचना की गई है। आप दिस इज एक्चुअली ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ जस्टिस लाहौटीज थॉट एंड दैट इज व्हाई न्याय चौपाल हैज बीन फॉर्म्ड। आप न्याय चौपाल के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और आज अपने को जस्टिस लाहौटी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप न्याय चौपाल की जो ई बैठक का ये जो क्रम आज से शुरू होने वाला है उसमें कौन कौन से विषयों को किस किस प्रकार से अपने को टेकअप करना है, क्या उसकी मेथोडोलॉजी रहने वाली है, क्या कौन कौन कैसे कैसे लोगों को अपने को टेकअप करके जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आज नजर आ रहे हैं उनका समाधान करने का प्रयास करना है। अपने बीच में जस्टिस लाहौटी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच में श्री रामलाल जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और पिछले 46 साल से संघ के प्रचारक के रूप में समाज का काम कर रहे हैं। भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं, इस प्रकार का दायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं। हमारे अनुरोध पर आपने बहुत व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन करना स्वीकार किया। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही श्रीमान अलोक कुमार जी भी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रचारक भी रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मान्य श्री आलोक कुमार जी, सम्मान्य श्री रामलाल जी, मेरे मित्र श्री गोविंद जी गोयल, संचालन कर रहे श्री दीपक जी और आज की सभा में जुड़ रहे हैं। मेरी उनसे औपचारिक मित्रता तो कभी नहीं हुई पर मैं उन्हें मित्र कहकर ही आज की सभा का प्रारंभ करूंगा। न्यायमूर्ति श्री कुरियन जोसेफ, बहुत उनसे सुना, उनके विषय में बहुत है, मुलाकात का अवसर कभी मिला नहीं, अब मिलेगा। और जितने भी हमारे न्याय चौपाल के कार्यकर्ता हैं, न्याय चौपाल वॉलंटियर्स, आदरणीय देवियों और सज्जनगण, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए 45 दिन बीत गए पर आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग अक्सर पहले औपचारिक चर्चा में पूछते थे आप कैसे हैं, उत्तर यह था मैं प्रसन्नतापूर्वक हूँ, स्वस्थ हूँ। अब एक बात जुड़ गई है कि मैं सुरक्षित हूँ। कोरोना ने हमारे सामाजिक व्यवहार शिष्टाचार में ये परिवर्तन ला दिया है। न्याय चौपाल के विषय में भाई गोविंद जी गोयल ने अभी आपको संक्षिप्त ओवरव्यू आपके सामने रखा,
केवल दो बातें मैं न्याय चौपाल के विषय में कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने महात्मा गांधी और नानाजी देशमुख इनसे विचारों का सूत्र ग्रहण किया और हमारी एक परिकल्पना है कि हम प्रयत्न करते करते भारतवर्ष में एक लिटिगेशन फ्री सोसाइटी की रचना करें तो क्या, पर हाँ रचना करने का प्रयास करें। हमारा कुछ सिस्टम जो न्याय की स्थापित व्यवस्था है उसके समानांतर नहीं है, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं। न्यायालयों पर जो भार है उसे कम करना चाहते हैं। जहां से विवाद उत्पन्न होता है उसी स्थान पर विवाद का समाधान प्रयास करके विवाद के पक्षों को एक साथ बैठाकर जितना आवश्यक हो स्थानीय समाज का पीयर प्रेशर का प्रयोग करते हुए विवाद को समझें, सुलझाएं, उसका समाधान करें। विवाद का निराकरण नहीं, समाधान। वो विवाद जड़ से समाप्त हो जाए, उनके बीच कोई मन मुटाव शेष न रहे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहा है। आज और पिछले जब से न्याय चौपाल प्रारंभ हुआ है तब से आज तक के समय में जो परिणाम आए हैं बहुत उत्साहवर्धक है। अनेक विवाद जो न्यायालय में पहुंच सकते थे, जिनमें विवादों के निराकरण के बाद भी परस्पर वैमनस्यता का अभाव बना रहता, उन विवादों को हमारे न्याय चौपाल के वॉलंटियर्स ने स्थानीय समाज के सहयोग से निपटाने में बहुत महती भूमिका निभाई है। समय समय पर जो हमारी एक बुलेटिन निकलती रहती है उसमें बहुत रोचक, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग ऐसे अनुभवों का विवरण उसमें हमें मिलता है। देवियों और सज्जन वृंद, ऐसा कहा जाता है कि वन हु सीजेस टू ग्रो बिगिंस टू पेरिश। जो प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसमें एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये होना चाहिए। जीवन का सबसे सुंदर पक्ष ये है दैट द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ इज इन द सरप्राइजेस इट डिलीवर्स। जो हमें चमत्कारिक, अनपेक्षित अनुभव होते हैं उसी में जीवन का एक्साइटमेंट है। अब ये जो कोरोना है, कोरोना आने के शायद 24 घंटे 48 घंटे पहले तक भी हमको पता नहीं था कि कोरोना नाम की कोई एंडेमिक विश्वव्यापी समस्या हमारे सामने खड़ी होने वाली है, और ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया एक बार ठहर गई है। परंतु मेरी ऐसी सुदृढ़ मान्यता है कि प्रत्येक समस्या अपने गर्भ में समाधान के बीज लेकर आती है। यदि हम कोरोना के कारणों का विश्लेषण करें तो उसके समाधान भी हमारी समझ में आ जाएंगे। ये तो ही कोरोना के संबंध में सामान्य बातचीत। एक विषयांतर इसे न मानिए आप, कल मैं कोरोना से संबद्ध एक वेबिनार संबोधित कर रहा था, एक रोटरी से जुड़ी संस्थाओं के अनेक सदस्य सैकड़ों की संख्या में उससे जुड़े थे। मैंने एक मुक्तक पढ़ा था, वो इतना प्यारा मुझे लगा, इतना अच्छा लगा कि आज इस सभी जितने देवी और सज्जन वृंद इस सभा में उपस्थित हैं वे सभी से हम आपस में मित्र हैं। मैं उसका संदेश आपके सामने बांटना चाहता हूं और फिर 2-3 मिनट में हमारी आज की सभा और इसकी भूमिका। ये जो मुक्तक है मुझे बहुत प्रेरक लगता है, आप इसके शब्दों पर गौर कीजिए और इसमें वर्तमान परिस्थिति और एक
आशा से भरपूर भविष्य का जो दर्शन होता है उस पर आप चिंतन कीजिए, और हमें किसी भी प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी जीवन शैली में, अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन करना होगा। मुक्तक चार पंक्ति का है, इसमें दो पंक्तियां मैंने अपने साथ जोड़ी हैं, अंतिम दो पंक्तियां। आप कृपया उसको सुनिए कि हर तरफ कितना अंधेरा आज है फैला हुआ, हर तरफ कितना अंधेरा आज है फैला हुआ, किंतु सबकी जिंदगी फिर से संवरनी चाहिए। People's calendars. So just a way to do that here. But I'm going to go back to Google Meet here, and as I said, you could just type this in. So sorry, I couldn't listen. मैं सुन नहीं पाया क्या कहा आपने। आप प्लीज कंटिन्यू करें, किसने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया था, प्लीज कंटिन्यू करें। सॉरी। हर तरफ कितना अंधेरा आज है फैला हुआ, किंतु सबकी जिंदगी फिर से समझनी चाहिए। हर कहीं मुस्कान हो, शुभकामनाओं से जुड़ी रोशनी ही रोशनी की बात करनी चाहिए। मृत्यु की संदेश वाहक सामने हो जब खड़ी, जिंदा दिली से जिंदगी की बात करनी चाहिए। हमें चुनौती का सामना जिंदा दिली के साथ करना है। न्याय चौपाल की जो भूमिका, न्याय चौपाल की कार्य पद्धति बहुत उत्साहवर्धक। गोविंद गोयल ने आपको बताई, थोड़ा संकेत मैंने भी दिया। अब प्रश्न होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है और यद्यपि भौतिक दूरियां हमारे एक दूसरे के बीच रहेंगी, किंतु हमारे आंतरिक संबंध उतने ही निकट के पहले की तरह बने रहेंगे, और जिनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया है उनके बीच हमें संबंधों का पुनर्जागरण, पुनः स्थापना करना है। तो हमारी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए? मैं गोविंद जी गोयल से चर्चा होती रही, वे रामलाल जी से, आलोक कुमार जी से चर्चा करते रहे, वे मुझे बताते रहे, जो जो फीडबैक देते रहे। अब हम सब लोगों का सामूहिक चिंतन ये है कि बदलते देश में हमें अपनी भूमिका भी परिवर्तित करना चाहिए और एक नई जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए। आज आप देखिए 45 दिन से कोर्ट बंद है, सिवाय इसके कोई तात्कालिक आदेश की आवश्यकता हो वो तो एक अलग बात है, किंतु जिन लोगों के विवाद न्यायालय में पड़े हुए हैं, 45 दिन का समय बीत गया, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारे केस की जल्दी सुनवाई कीजिए। तो विवादों की गहनता, गंभीरता भी एकाएक हलचल शांत हो गई, परंतु अब जो विवाद सामने आ रहे हैं वे समूह के विवाद हैं, वन ग्रुप वर्सेस अनदर ग्रुप। उदाहरण के लिए मजदूरों की समस्या सामने आई, बड़ी संख्या में विस्थापित या गतिशील मजदूरों ने पलायन किया, उनकी गहन समस्याएं हमारे सामने आई। उनके एम्प्लॉयर्स, मजदूरों मालिक, उनके बीच का संबंध क्या होना चाहिए, ये प्रश्न आया। स्कूलों की फीस बढ़ाई जाए न बढ़ाई जाए, विद्यार्थी और पालक उसका विरोध कर रहे हैं, और विद्यालय कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे तो खर्चे जो पहले थे आज भी हैं, बढ़ रहे हैं, तो परिवर्तित परिस्थितियों में हमको फीस बढ़ाना पड़ेगी। ये एक विद्या टीचर्स वर्सेस मैनेजमेंट, पेरेंट्स वर्सेस मैनेजमेंट का एक ग्रुप डिस्प्यूट हमारे सामने आया है। क्या न्याय चौपाल इस प्रकार के विवादों के समाधान में कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है? उद्देश्य ये है कि हम सक्रिय बने रहें, निष्क्रिय न हों, एक। और दूसरी बात यह है कि वैयक्तिक विवादों से ऊपर उठ करके सामूहिक विवाद और सामूहिक समस्याओं के समाधान में क्या हम कोई योगदान दे सकते हैं? बदले हुए परिवेश में इस नई चुनौती का सामना
करने के लिए क्या हम तत्पर हैं, और यदि हम तत्पर हैं तो हमारी कार्यशैली क्या होगी, हमारा कार्य क्षेत्र क्या होगा, हम किस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, ये एक विचार का विषय है। भाई गोविंद जी से मेरी बात हुई और ये हुआ कि हमारे हमसे जितने जुड़े हुए लोग हैं जो निस्सार्थ भाव से सेवा का काम कर रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके अनुभव क्या हैं, उन्हें हम जानें, विचार विमर्श करें और तब किसी प्रक्रिया का निर्धारण करें। ये अपनी मैं केवल ये विचार आप सभी के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री आलोक कुमार जी, श्री रामलाल जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अन्य जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, विद्वान हैं, वे भी अपने विचार रखना चाहें तो उनका भी स्वागत होगा। इन शब्दों के साथ मैं हमारे संचालक जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संचालन के क्रम में जो अन्य वक्ता हैं उनसे अनुरोध करें कि वे अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जस्टिस लोहटी जी, आपने अपने बहुत ही सुंदर विचारों से ये बताया कि जो हमारा समस्या का सिर्फ हमने समाधान नहीं करना बल्कि उसको जड़ से भी मिटाना है, और इस अहम समय में हमारी क्या भूमिका रहने वाली है उसके बारे में अपने अपने विचार रखे। अब मैं माननीय गोविंद गोयल जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बीच माननीय रामलाल जी का स्वागत करते हुए आमंत्रित करें। नमस्कार। रामलाल जी को आज के कार्यक्रम के विषय में बोलने से के लिए अनुरोध करने से पहले इस बीच में हम लोगों के साथ जस्टिस अनिल दवे जुड़ गए हैं। जस्टिस एआर अनिल आर दवे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं और वो आज अपने साथ इस वक्त आज की बैठक में मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ ही संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री मुकुंद राव जी अहमदाबाद से जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दो वरिष्ठ कार्यकर्ता और अपने साथ जुड़े हैं, आप सब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं सिर्फ कुछ ही इलस्ट्रेटिवली मेंशन कर रहा हूं। श्री साजी नारायणन त्रिचूर केरला से, आप भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे साथ इस समय इस बैठक में जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री चंद्र वधवा वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और दिल्ली प्रदेश के विशेष संपर्क का काम देखने वाले विशेष संपर्क प्रमुख हैं, आप भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जस्टिस लाहौटी ने अपनी इस बदले हुए परिस्थितियों में अपनी क्या भूमिका होने वाली है, क्या भूमिका रहने वाली है, उसका बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया है। मैंने अभी जस्टिस अभिश्रीमान रामलाल जी और आलोक कुमार जी आने वाले समय में 5 विषयों पर होने वाली ई बैठकें उनका वर्णन करेंगे, उनकी क्या किस प्रकार से उनको अपन हम लोगों ने हैंडल करना है, किस प्रकार से उन लोगों को उन विषयों को हमने उनके आज जो समस्याएं या इश्यूज नजर आ रहे हैं, जो कि कल को लॉकडाउन के बाद आने वाले समय में एक बल्क ऑफ लिटिगेशन के रूप में प्रस्तुत होने के पोटेंशियल की रखते हैं, अगर हम आज उनको एड्रेस करें तो हो सकता है वो बल्क ऑफ लिटिगेशन बच जाए, प्रिवेंट हो जाए, इस प्रकार की इच्छा और अपेक्षा के साथ हम ये ई बैठकों का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ
मैं श्री रामलाल जी को निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। इससे पहले दो लोगों का और मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जस्टिस प्रमोद कोहली फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, आप इस समय हमारे साथ न्याय चौपाल की इस बैठक में जुड़े हैं, मैं जम्मू में हैं, जम्मू से जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जस्टिस प्रमोद कोहली शुरू से ही न्याय चौपाल की बैठक में न्याय चौपाल के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं और न्याय चौपाल को उनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिलता रहा है। इसी के साथ श्री रुपेंद्र सूरी, आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो भी अपने साथ इस न्याय चौपाल की बैठक में जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में इसके साथ ही मैं श्रीमान रामलाल जी का स्वागत करके और उनका अभिनंदन करके निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। बहुत विस्तार से तो चर्चा इन विषयों की नहीं होनी, लेकिन मुझे बताया गोविंद जी ने दो विषयों की चर्चा मुझे करने के लिए कहा है। एक तो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स इस विषय पर थोड़ा चर्चा करनी है, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ इस विषय पर चर्चा करनी है। आपको इसके कुछ बिंदु दिए हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में थोड़ा हमें इन दोनों विषयों की चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, भारत में हमेशा ही से शिक्षा का महत्व रहा है। जितने भी भारत में हम महापुरुष देखेंगे, जिनको हम देवता के रूप में शायद पूजा करते होंगे, वो सब भी कहीं ना कहीं घर से बाहर रहकर गुरुकुल में जाकर के पढ़े, और वो कितने ही बड़े घराने के हों, कैसे भी हों, लेकिन उन्होंने सबके साथ मिलकर एक सामान्य जीवन जीते हुए शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा में पुरातन काल में इसके भेदभाव नहीं थे, सबको एक साथ बैठना होता था, सब एक साथ एक जैसी शिक्षा लेते थे और फिर जिसकी जितनी योग्यता होती थी वो उसमें ग्रहण करके उतना शिक्षा का उपयोग भविष्य में करता रहा। हमारे यहां शिक्षा ये व्यवसाय नहीं रहा, शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा थी। दुर्भाग्य से आज शिक्षा ये एक इंफॉर्मेशन हो गया है, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ये शिक्षा हो गया है। एक बार यूनेस्को ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था शिक्षा के बारे में, शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि रूटेड इन कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। शिक्षा के माध्यम से यदि हम कल्चर के रूट तक नहीं जाते और एक प्रोग्रेस के लिए हमारा कमिटमेंट नहीं बनता, दोनों चीजें नहीं होगी तो शिक्षा अधूरी होगी। एक समय जिसको हम मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, तो मैकाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भी एक रिपोर्ट देते समय कहा था, मैं यहां उसके बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, कि भारत में शिक्षा का प्रसार कितना अधिक था। उन्होंने स्कूलों की संख्या, कॉलेजेस की संख्या, ये सब संख्या बताई है। हमको मालूम है कि दुनिया के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे, ऐसी हमारी यूनिवर्सिटीज का स्तर था। आज वो स्तर नहीं है, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी सोचे तो भारत की शायद एकाध का भी नाम उसमें आना कठिन पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो स्तर होना चाहिए था, शिक्षा की जो उपयोगिता के लिए शिक्षा होनी चाहिए थी, उसकी चर्चा न होने के कारण आज एक अलग तरह का दृश्य दिखाई देता है। केवल इंफॉर्मेटिव और नॉलेज इतना पर्याप्त नहीं है, वास्तव में सब्जेक्ट की ठीक जानकारी होना चाहिए, गहरी जानकारी होना चाहिए और विद्यार्थी की हर दृष्टि से स्किल भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की संवेदनशीलता संपूर्ण मानव जाति के लिए और सृष्टि के लिए है। जब संवेदनशीलता और ह्यूमिनिटी ये दोनों जुड़ते हैं तब उसी को हम संस्कार प्रद शिक्षा कहते हैं।
शिक्षा में से जीवन मूल्य, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि आदमी जीवन मूल्य समझ सके और जो ज्ञान उसने लिया है उस ज्ञान का जीवन में ठीक से उपयोग हो सके। अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी एक स्थान पर कहा है कि मनुष्य का राष्ट्रीयकरण करो, यानी मनुष्य में राष्ट्रीयता के भाव आना चाहिए। कभी कभी जब देशभक्ति की भी चर्चा होती है तो आदमी को लगता है कि सेना में भर्ती होना, देश के लिए लड़ना, देश की सुरक्षा करना, यह देशभक्ति है। निश्चित रूप से वो प्रखर देशभक्ति है, उसमें बलिदान देना पड़ता है, लेकिन हर आदमी तो सेना में भर्ती नहीं होगा, तो वो अपने निजी जीवन में देशभक्ति का परिचय कैसे देगा। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से उसके जीवन में ये विषय आना चाहिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। जब राष्ट्र प्रथम वो सोचता है तो आज जो बहुत सारे संघर्ष दिखाई देते हैं, कहीं जातीय संघर्ष है, कहीं आपसी संघर्ष है, कहीं प्रांतों का संघर्ष है, कहीं नदी का जल विवाद है, कहीं कोई और विवाद है, अनेक विवाद अपने देश में दिखाई देते हैं, भाषा के विवाद है, नेशन फर्स्ट ये सब सोचेंगे तो आदमी इन सब विवादों से, भेदों से ऊपर उठ जाता है। तो शिक्षा में से ये गुण और ये संस्कार यदि उसका आता है, मानव के प्रति संवेदनशीलता, सृष्टि के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रथम, वो अपना सोचना, बोलना, करना इस एक शब्द के चारों ओर करता है, तो वो देशभक्ति भी बनता है, समाज से भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है और अनेक प्रकार के संघर्षों में ऐसा समाज विजयी होकर उभरता है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। अब जो आज के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की कि भाई जिनको एजुकेशन देनी है उनकी कई प्रकार की समस्याएं है, आदरणीय लाहौटी जी ने भी उसका उल्लेख किया। मुझे लगता है कि एक शब्द पर यदि हमारा ध्यान गया, विद्यालय परिवार, जब हम विद्यालय परिवार कहते हैं तो विद्यालय का मैनेजमेंट, विद्यालय के प्रिंसिपल, विद्यालय में फैकल्टी, उसके अध्यापक, विद्यालय का स्टाफ, अन्य स्टाफ, विद्यालय के कर्मचारी, विद्यालय के बच्चे और उन बच्चों के अभिभावक, यानी ये सब मिल करके, और मैं तो कहूंगा कि जो विद्यालय की देखरेख करने वाले जो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, ये सब मिलकर एक विद्यालय परिवार बनता है। इस विद्यालय परिवार के कंसेप्ट के हिसाब से विचार करेंगे तो जैसे परिवार में एक दूसरे की चिंता होती है, परिवार में ये नहीं होता कि एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती, एक दूसरे की चिंता होती है, बैठकर चिंता होती है, तो फिर इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। ज्यादा विस्तार से तो जब इसी विषय पर वेबिनार होगी तब उन विषयों की चर्चा होगी। मैंने विषय प्रवेश के लिए थोड़ा ये विषय रखा है। मुझे लगता है कि आज की समस्याओं का समाधान भी इस विद्यालय परिवार के कंसेप्ट में है। मैनेजमेंट भी ये सोचे, क्योंकि आज सभी परेशान है, मैनेजमेंट भी परेशान है, अध्यापक भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, तो वो इनके रास्ते निकाले बैठकर। आखिर विद्यार्थी को भी फीस देना है, उनके अभिभावकों का इंडस्ट्री नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, उनके काम धंधे नहीं चल रहे, तो अभाव है तो कैसे फीस दे पाएंगे। लेकिन फीस नहीं थी तो ये भी ठीक है कि अध्यापकों का वेतन कैसे मिलेगा, अध्यापकों का वेतन नहीं मिलेगा तो उनकी संतुष्टि नहीं होगी तो कैसे वो शिक्षा देंगे। एक दूसरे से जुड़े हुए विषय, तो कहीं ना कहीं सभी को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा और सभी को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को विचार करते हुए इन समस्याओं के समाधान की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक भविष्य की अच्छी शिक्षा के उस तरफ जा सकते हैं। उसका विषय जो चर्चा में आया है, यदि शिक्षा के लिए एक छोटा दो लाइन का वाक्य बोलना हो, क्योंकि लाहौटी जी ने चर्चा एक उसका बोला है, पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए शिक्षा, जानने के लिए नहीं जीने के लिए शिक्षा, तो वास्तव में शिक्षा सार्थक होगी और विद्यालय परिवार के कंसेप्ट से एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
बाकी इस विषय पर जब चर्चा विस्तार से होगी तब उसमें से कुछ रास्ते निकलेंगे। अब जहां तक दूसरा विषय है डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हेल्थ, इसमें भी जैसे यूनेस्को की बात आई कि रूटेड इन कल्चर, इसमें भी थोड़ा हमें यहां से सोचना पड़ेगा कि आखिर परिवार की उत्पत्ति कहां से हुई। कोई मानता है कि जब से खेतीबाड़ी शुरू हुई तब से परिवार बने, कोई कभी का मानता है, कोई कभी का मानता है, लेकिन वेदों में भी बराबर इसका उल्लेख है। वेदों में इसका उल्लेख है कि कैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, इसका इवोल्यूशन हुआ। सब उत्क्रामत ऐसा एक शब्द उसमें है, यानी उसका अंग्रेजी शब्द करेंगे तो इवोल्यूशन जो एक अंग्रेजी का शब्द है वो उससे मिलता जुलता शब्द शायद होगा। अपने वेदों में एक श्लोक में एक शब्द आता है सगार पन्ने क्रामक, ये एक उस श्लोक में से मैंने एक शब्द लिया है, एक से अनेक होना। तो परिवार की कल्पना हमारे हमारे वेदों में है। हमारे यहाँ परिवार की छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई की कल्पना की है, यानी जब कभी कोई धार्मिक संस्कार होते हैं तो आप देखते हैं वो गोत्र पूछते हैं, तो एक गोत्र का एक परिवार होता है, एक कुल का एक परिवार होता है, हम गांव को भी एक परिवार मानते हैं। एक जनपद का कंसेप्ट था पुराने समय, छोटे छोटे राज्य थे, जनपद भी एक परिवार है। आज के संदर्भ में सोचेंगे तो राज्य भी एक परिवार है, राष्ट्र भी एक परिवार है, और भारतीय संस्कृति में तो विश्व को भी एक परिवार माना है। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द निकला वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया कुटुंब है। हमने तो इसमें केवल मनुष्य नहीं सृष्टि को भी लिया है, हमने उस सृष्टि को भी एक परिवार का हिस्सा ही माना है। तो एक इतनी व्यापक कल्पना भारत में और भारतीय संस्कृति में हम सबको बताई गई है, और साथ साथ ये परिवार है तो स्वाभाविक रूप से अकेलापन नहीं रहता। आज जातीय संघर्ष कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन एक समय जाति हमारी रक्षक बनती थी। हम कोई गलत काम करें तो लोग कहते थे जाति से बाहर कर दिए जाओगे, तो इसका डर रहता था, गलत काम नहीं करता था मनुष्य। अब जाति का संबंध जब राजनीति से जुड़ जाए, जाति का संबंध जब कुछ और ऐसे वेस्टर्न इंटरेस्ट से जुड़ जाए तो वही जाति एक अलग अर्थ में समझी जाने लगी। एक समय में जाति का एक अलग महत्व था। तो इसका एक हेतु यह था कि समूह में रहना, और जब समूह में रहना है तो समूह में रहने की एक विशेषता रहती है, मैं ही ठीक हूं ऐसा नहीं है, दूसरे को सहन करने की शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, मन में भावना रखनी पड़ती है कि सामने वाले को भी सहन करना है, मैं ही ठीक हूं ऐसा नहीं है, मैं भी ठीक हूं। तो सामने जब भी आ जाता है तो सामने वाला भी ठीक है, ही में एरोगेंस है, बी में टॉलरेंस है, तो ही और भी के अंतर से आप समझ सकते हैं। तो ये एक मूलभूत अंतर है। तो जब वो भी एक रहता है तो सहनशीलता रहती है, सहनशीलता रहती है तो एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं तो फिर एक दूसरे को संभालने की भी इच्छा रहती है। इसलिए परिवार में एक दूसरे को हम संभालते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम अपने स्वार्थ को विलीन करते हैं, और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से डिप्रेशन भी नहीं आता, और एक जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की चर्चा हुई ये भी नहीं आता। जब कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ, निजी हित, मेरी ही चलेगी, ये जब इच्छा होती है तब होता है। आप में से जो पुराने गाँवों में रहे होंगे, छोटे कस्बों में रहे होंगे, परिवारों में रहे होंगे, कई बार झगड़ा होता था, बच्चे माँ से शिकायत करते थे आप एक ही सब्जी बनाती हो, तो ये छोटे भाई की पसंद है, आप उसको ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए एक ही सब्जी बनाती हो, तो माँ अगले दिन दूसरी सब्जी बना देती थी, किसी दिन खीर भी बना देती थी, किसी दूसरे भाई की पसंद है चलो आज तेरी पसंद की बना दी। तो घर में माँ का रोल रहता था, वो सबको संभालती थी। न्याय चौपाल की चर्चा आई, न्याय चौपाल का रोल भी वास्तव में माँ का ही रोल है। न्याय चौपाल के अंतर्गत हमको काम करना है तो हमको कानूनी जो दाब पेच है वो ठीक है, लेकिन न्याय चौपाल के माध्यम से एक माँ की भूमिका रखते हुए हमें समस्याओं का समाधान करना है। जिस घर में
माँ ऐसा रोल करती है उस घर में सामान्य रूप से डिस्ट्रेस और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ऐसे ऐसे विषय आएंगे नहीं। और वास्तव में ये सब एक सिम्टम्स हैं। सिस्टम अलग है, सिम्टम्स अलग है। जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो सिम्टम्स पैदा होते हैं। कभी कभी हम सिम्टम्स की चर्चा ज्यादा करते हैं, सिस्टम की चर्चा नहीं करते। एक बार संघ का एक कार्यक्रम लंदन में हुआ था, उसमें मार्गरेट थैचर साहब आई थी वहां पर। उन्होंने बाकी लोगों से कहा संघ में बहुत अच्छा भाषण हुआ वगैरह वगैरह हुआ, आपके शारीरिक कार्यक्रम अच्छे हुए। तो उन्होंने कहा मैं भारत की कुटुंब व्यवस्था के बारे में समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे आलेखों में भी ये है, जब यहाँ अंग्रेज राज्य करते थे तो जिन अधिकारियों ने यहाँ से रिपोर्ट देते थे कि भारत की कुटुंब व्यवस्था ने भारत को बांध कर रखा है, भारत भारत को अंग्रेजों का साम्राज्य होने के बाद भी भारत बचा रहा, भारतीय संस्कृति बची रही, तो उसमें कुटुंब व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण है। तो उन्होंने कुटुंब व्यवस्था को समझने की इच्छा व्यक्त की। यानी दुनिया में कुटुंब व्यवस्था एक कौतूहल का विषय, इसलिए दुनिया में पति पत्नी अलग है। यहाँ उसकी चर्चा करूंगा तो शायद कई तरह के और विषय चल पड़ेंगे। कई बार ऐसे बच्चे जिनको ये जिनके पति जिनकी माँ अलग है पिता अलग है, कोई बच्चा है ऐसा है जिसको मालूम नहीं कि पिता कौन है आदि आदि। क्योंकि तलाक का सिस्टम है, तलाक हो गई, शादी दूसरे से कर ली, तो एक वहाँ के माँ के सामाजिक रचना में एक है, हमारी सामाजिक रचना में ये है। तलाक या होती ही है, लेकिन तलाक को अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा हमें सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा। यदि हम सिस्टम को रिवाइव करेंगे तो फिर जो ये डिस्ट्रेस और इसके सिम्टम्स पैदा होते हैं ये स्वाभाविक रूप से अपने आप नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको इस परिवार व्यवस्था के बारे में भी जब चर्चा करेंगे हम विस्तार से, तो हमें इन बातों की चर्चा इस हिसाब से करने की एक स्वाभाविक रूप से जरूरत पड़ेगी। आज के समय में लॉकडाउन ने हमको एक अवसर भी दिया है, परिवार साथ साथ है, तो अपनी रुचि न थोपे, परिवार में सबकी रुचि को ध्यान में रखकर छोटे छोटे खेल, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर कोई धार्मिक ग्रंथ, अलग अलग मत पंथों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ में भी उसको कौन सी चीज की रुचि है उसकी चर्चा करना, एक अलग अलग तरह के उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनको हम एंगेज रखें बच्चों को, इसका हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस एक चुनौती भी है और अवसर भी हमारे सामने है, लॉकडाउन का हर चुनौती अवसर भी देती है, तो इस अवसर का लाभ उठा करके परिवार में एक साथ रह रहे हैं, ये भी हमारे लिए पहला ही अनुभव है कितने दिन परिवार में लोग एक साथ रह रहे हैं। हालांकि इसके कारण कहीं कहीं कुछ कठिनाई भी आई है, लेकिन इसके कारण एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है। तो हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, मैं ही ठीक हूँ ऐसा नहीं, आई एम ऑलवेज राइट, इतना सोचना पर्याप्त नहीं है, आई मे बी रॉन्ग, ऐसा भी आदमी सोचता है तो एक गुंजाइश बनती है। हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझें, सामने वाले के सुख को अपना सुख समझें, होता उल्टा है, दूसरे के दुख से हमको सुख होता है और दूसरे के सुख से हमको दुख होता है। तो पूरा परिवार और समाज जब ऐसा सोचता है तब परिवार और समाज एक दूसरे को संभालता है, तो ना डिस्ट्रेस आता, ना ये डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति बनती है। और फिर भी कहीं कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति बनती है, तो न्याय चौपाल से जो लोग भी जुड़े, मेरा उनसे कहना है न्याय चौपाल में जज वकील और इन सबको तो जोड़े ही, लेकिन समाज के कुछ अनुभवी लोगों को भी जोड़कर न्याय चौपाल में, और न्याय चौपाल के माध्यम से समस्याओं को सुनना समझना। हमें समस्या सुलझानी है, हम बहुत व्यक्ति को सुधारने में ना लगे। मैं एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बुलंदशहर में हमारे बहुत एक सीनियर एडवोकेट थे उपाध्याय जी, संचालक भी थे, वो जिस गांव के रहने वाले थे उस गांव के आसपास लगभग 100 गांवों का कोई केस नहीं लेते थे। लोग उनके पास आते थे,
बकी साहब हमारा केस तो आप ही को लड़ना है, और विशेष रूप से जो ऐसे पारिवारिक झगड़े के केस थे, गांव के आपस के झगड़े के केस थे, उनका बड़ा घर था, चार पांच गाय बंधी थी, गांव से गेहूं चावल सब आता था, तो वो कहते थे कि भाई तुम आए हो दूसरे पक्ष को भी बुला लो, दो दिन तीन दिन अपने अपने घर में ही रखते थे, खिलाते पिलाते थे, और सब में सहमति बनाकर केस को वही सुलझा करके भेजते थे, और कहते थे भाई नहीं सुलझाओगे तो मैं वकील नहीं बनूंगा तुम्हारा, तुम और किसी वकील को करो, मैं अपने एरिया में वकालत के आधार पर केस नहीं सुलझाऊंगा, कोर्ट के आधार पर नहीं सुलझाऊंगा, मैं तो पारिवारिक भूमिका के आधार पर केस सुलझाऊंगा, मुझको तुम बड़ा मानते हो तो बड़े की भूमिका में केस सुलझाऊंगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण है, मुझे लगता है कि जितना समय था शायद थोड़ा कुछ अधिक हुआ होगा, लेकिन दोनों विषयों पर मैंने थोड़ा सा आप सबके सामने चर्चा की है विस्तार से चर्चा, तो जब आप इस विषय के एक्सपर्ट लोगों को बैठाएंगे और वेबिनार करेंगे तब इस विषय की होगी, एक दो सुझाव देकर मैं समाप्त करूंगा, आगे जो वेबिनार हो उसके पूरे ठीक से नोट्स बने, नोट्स बनकर के सर्कुलेट हो, और उन नोट्स पर कोई स्टडी ग्रुप बने, स्टडी ग्रुप बन करके और अधिक गहरी पूरे देश दुनिया की स्टडी करके इस विषय में क्या अच्छा हो सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, इसका निष्कर्ष यदि निकालेंगे तो इस वेबिनार और आगे आने वाली वेबिनार ये निश्चित रूप से सार्थक होंगी। मुझे विश्वास है इतने सब बड़े बड़े लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा, और हम इस कोरोना के संकट से हिम्मत से उत्साह से और आत्मविश्वास पूर्वक लड़े, इसमें से कई तरह के बिहेवियरल चेंज निश्चित रूप से समाज में आ रहे हैं, भविष्य में एक नया भारत जन्म लेगा, और वो नया भारत ऐसा होगा जो दुनिया को दिशा देने वाला होगा। आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, आगे आने वाला समय शायद ऐसा आएगा जब दुनिया बोलेगी भारत माता की जय, ऐसी परिस्थिति इस अवसर का लाभ उठा करके हम निर्माण करें, यही मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद माननीय रामलाल जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर शब्दों में शिक्षा प्रणाली के बारे में, भारत की संस्कृति जो हमारी वासुदेव कुटुंबकम उसके बारे में, देश के बारे में जो विचार रखे और कैसे हमारा जो ये सारा संगठन है इसको अपनाते हुए जो डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे दूर कर सकता है, और आपके सुझाव दिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा विस्तार हो गया, संक्षिप्त करना चाहिए था मुझे। चलिए, अब मैं माननीय लोयल जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको आप। धन्यवाद दीपक जी। रामलाल जी ने इन दो विषयों पर चर्चा की है, एक तो शिक्षा के विषय पर और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस पे। आने वाले समय में जो हम पांच विभिन्न प्रकार के विषयों को ई बैठक में लेने वाले हैं, और जो आज ऐसा समस्या या प्रॉब्लम या इश्यू नजर आ रहा है जो कि आने वाले समय में विच है द पोटेंशियलिटी ऑफ बिकमिंग डिस्प्यूट, वो पांच विषयों को टेकअप करेंगे। उन डोमेस्टिक वायलेंस में स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स में जैसे जो विद्यार्थी है उसको लग रहा है कि मेरे से फीस ली जा रही है और मेरा कैरियर प्रॉब्लम में आ रहा है, और एजुकेटर को लग रहा है कि मैं फीस नहीं लूंगा तो मुझे शिक्षकों को तनख्वाह भी देनी है, मुझे व्यवस्था करनी है, वो सब आपसी जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं वो डिस्प्यूट ना बन जाएं, उन डिस्प्यूट्स के बनने से पहले उनकी कोई आपसी एमिकेबली बैठकर उनका कुछ समाधान निकल आए, ऐसा सॉल्यूशन निकालने का प्रयास न्याय चौपाल को करना है। एक बैठक उस तरह की होगी, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक बैठक रहेगी। बाकी जो तीन विषय और हैं उन पर उनके बारे में श्री आलोक कुमार जी संक्षिप्त में अपने सामने बात रखेंगे। वो आलोक कुमार जी वरिष्ठ अधिवक्ता तो हैं ही, लेकिन न्याय चौपाल के साथ बिल्कुल शुरू से प्रारंभ से ही उनका सहयोग अपने को मिलता रहा है। अभी वर्तमान में वो विश्व हिंदू परिषद का दायित्व आने के कारण से न्याय चौपाल में उतना समय नहीं दे पा रहे, लेकिन आज हमारे विशेष अनुरोध के चलते उन्होंने बहुत बहुत ही
व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला है और जो बाकी तीन विषय हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज, लीगल सिस्टम, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स, इन तीन विषयों के बारे में श्री आलोक कुमार जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आलोक कुमार जी आवे और बात में बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आलोक कुमार जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने वक्तव्य के प्रारंभ में वो पिन पॉइंट कर दें कि मैं इन बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं, उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन का लाभ हम अवश्य लेना चाहते हैं, थोड़ा पिन पॉइंट करके ताकि हम लोग फोकस्ड होकर के उनकी बात सुन सकें। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। मुझे तीन क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए कहा है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज के बारे में, लीगल सिस्टम और लेबर लॉस के बारे में, और ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मुझे एक बात का आनंद मैं आपसे बांटना चाहता हूं, और वो ये कि न्याय चौपाल अब अपनी तरुणाई की ओर बढ़ रहा है। मुझे ध्यान है कि जब हमने शुरू में काम शुरू किया था तो आदरणीय लाहौटी जी हमें कहते थे कि सहजता से शुरू करो, इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स से शुरू करो, परिणाम आए ऐसा काम करो। और उससे हम लोगों को अनुभव मिला, एक छोटा संगठन पूरे देश में बना, बड़े काम करने की हमारी तैयारी हुई। और फिर गोविंद जी ने इस बार जो डॉक्यूमेंट भेजा उसमें इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, इससे आगे बढ़ के देश के सामने जो इस तरह की समस्याएं हैं, जो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, एक बहुत बड़े क्लास के लिए सब पर सामूहिक असर डालते हैं, उन मुद्दों को भी उठाना, उन मुद्दों को भी सुलटाना, और उसमें से ये पांच मुद्दे निकाले। तो अपने काम का यह जो विस्तार स्कोप का किया है, अपने कंधों पर यह जो बड़ी जिम्मेवारी ली है, इसके लिए मैं न्याय चौपाल का अभिनंदन करना चाहता हूं। एम्प्लॉयमेंट वाले विषय से शुरू करना होगा। एक दो तीन मिनट में मैं देश के सिनेरियों का जिक्र करूंगा। लगभग छह हफ्ते पहले एक सर्वे आया था, उस सर्वे में कहा गया था कि 42% लोगों को 42% इतने लोगों को कोरोना की लॉकबंदी के बाद में अब आय का कोई साधन नहीं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग थे, रिक्शा चलाते थे, रेडी चलाते थे, कुली थे, वे सब भी इसमें शामिल थे। और उसमें ये कहा गया था कि भाई इतनी बड़ी आबादी के पास में कोई आय का साधन नहीं है, तो हफ्ते भर में देश में भोजन के लिए दंगे शुरू हो जाएंगे, फूड राइट्स होंगे। अमर्त्य सेन जी ने भी इसका समर्थन किया था। मुझे संतोष है कि भारत के संस्कारों में अन्नदान इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो केवल संघ और विश्व हिंदू परिषद ने किया हो ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरे समाज ने मिलकर के मंदिर, गुरुद्वारे, डेरे, स्थानक, RWS, ट्रेड एसोसिएशंस, व्यक्ति बाकी भी सबने मिलकर चिंता की कोई भूखा नहीं रहे। और इसलिए 42% लोगों के पास में आय का साधन नहीं, इसके बावजूद भी कम से कम हम भूखमरी को भारत में नहीं आने दिया। इस सिनेरियो का एक दूसरा पार्ट भी है, और वो पार्ट ये है कि इस लॉकडाउन के चलते हुए मन में असुरक्षा की भावना और कठिनाई, इस कारण से लाखों लोगों ने अपने गांव के सुरक्षित वातावरण में, जहां पर वो इमोशनली कॉन्फिडेंट हैं,
जाने के लिए तय किया है। हवाई जहाज, बस, ट्रेन कुछ उपलब्ध नहीं था तो क्या करें? गांव 600-700 किलोमीटर दूर है तो क्या करें? मैंने कहीं भगिनी निवेदिता का ये वाक्य पढ़ा था कि भारत के लोगों को तो रोटी और मकान ये भी उनकी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। मैं इसको समझ नहीं पाया था, पर जब मैं ये जानकारी पाता हूं कि लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर के अपने घर में जाने के लिए अपना सामान अपने सिर पर लाद कर पैदल जा रहे हैं, तो मुझे ध्यान में आता है कि भारत के लोगों का ग्रिट और स्टेमिना कितना ज्यादा है। 20, 22, 25 दिन लगेंगे पहुंचने में, रास्ते में भोजन का क्या होगा, तो जो होगा सो देखेंगे, व्यवस्था कुछ नहीं की। रात में कहां रुकेंगे पता नहीं, जो होगा देखेंगे, व्यवस्था कुछ नहीं की। और समाज कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ले रहा है उनकी, पर यह स्थिति स्थायी रूप से चल नहीं सकती। इतनी बड़ी संख्या चैरिटी के भोजन पे लगातार निर्भर नहीं रह सकती। व्यक्ति की गरिमा के लिए भी सब लोगों को काम देना इसकी आवश्यकता होगी। बहुत सारे कारखानेदारों को लग रहा है फैक्ट्री पूरी बंद रही, हम सारी तनख्वाह तो नहीं दे सकते, तो एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़े हुए विषय, इसमें उनकी सुरक्षा, अभी तीन राज्यों ने जो मजदूरों के वेलफेयर के लॉस को सस्पेंड किया है उसमें वर्किंग आवर से संबंधित विषय भी था। फिर दबाव पड़ा तो उत्तर प्रदेश ने उसको वापस ले लिया। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण इस दबाव में कामगारों की सुरक्षा, उनके काम की सुरक्षा, उनको पर्याप्त वेतन, जीवन गरिमा से जीने की सुविधाएं, इसमें सरकार का रोल, एंटरप्रेन्योर का रोल और मजदूर ने भी कर्मचारी ने भी जिम्मेवारी से अपनी भूमिका को अदा करना, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसमें परस्पर बैठाना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, कारखाने में काम करने वाला और मालिक प्रतिस्पर्धी नहीं है इस विश्वास के साथ काम करना एक बड़ा काम है। मैंने देखा कि गोविंद जी के नोट्स में भारतीय मजदूर संघ से सहायता लेने की भी बात है। कहीं से भी सहायता ले, अगर यह विश्वास हुआ उनको कि आपका इंटरवेंशन सिंसियर है तो ये काम आ सकता है। विस्तार में इसकी चर्चा अलग सम्मेलन में होगी, पर एम्प्लॉयमेंट इस विषय पर एक बड़ी भूमिका न्याय चौपाल अदा करें। लीगल सिस्टम का विषय जरूर आएगा, इतने दिनों कोर्ट बंद रही, कोर्ट्स की रेगुलर फंक्शनिंग और कब शुरू होगी इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि कोर्ट की रेगुलर फंक्शनिंग का मतलब है असंख्य लोगों का रोज आना, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होना, कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जल्दी जिसको हम कोर्ट की फंक्शनिंग समझते हैं चालू नहीं हो सकती, और ऐसी परिस्थिति के अंदर केसों का अंबार बढ़ता जाएगा। तो भले ही आज हमें इसका विचार करने का अवसर नहीं है कि यह एडवर्सरी सिस्टम भारत के लिए ठीक है कि नहीं, ये बाद में कभी देखा जाएगा, तो भी इसी सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है,
ये समझने की जरूरत है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। जो भी फॉर्मेट्स उभरे उसमें लिटिगेंट्स का विश्वास हो, इसकी जरूरत है। जो भी सिस्टम्स उभरे उसमें लिटिगेंट्स का पार्टिसिपेशन कम ना हो जाए, मैं समझता हूं कि दूसरा महत्वपूर्ण विषय। तीसरा विषय ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स का है। एक अलग लेवल पर प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों का आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया है। डिमांड और सप्लाई वाली इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर अगर आग्रह करेगा कि अपने देश की चीज चाहिए और एंटरप्रेन्योर यह संकल्प करेगा कि मैं एक्सीलेंट चीज बनाऊंगा, तो रामलाल जी कह रहे थे कि देश विश्व का नेतृत्व करे, शायद संभव होगा। पर ट्रेडर्स को अपने ट्रेड के लिए समस्याएं उभरेंगी। दिल्ली ने प्रस्तावित किया है कि दुकानें दो दो दिन खुलें, व्यापार अपने ढर्रे पे लौटने वाला नहीं है, उसके यहां रहने वाले कर्मचारियों का क्या होगा, हमारे खाने के जो हम काम कर रहे हैं खाना बांटने का, अब उसमें हमें निम्न मध्य वर्ग के लोग भी खाने की लाइन में दिखने लगे। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिसमें ट्रेडर्स को सुरक्षित रहकर काम करना, उसका टैक्स स्ट्रक्चर में उसको क्या सहायता मिल सकती है, सरकार अन्य प्रकार से कैसे उसके लिए सहायक हो सकती है। सरकार और ट्रेडर्स के बीच में भी कुछ मीडिएशन की जरूरत होगी, कंज्यूमर्स के लिए भी जरूरत होगी कि उनके साथ में न्याय रहे और वो न्याय सुलभ हो, शीघ्र भी मिले। कंज्यूमर कोर्ट्स में तो अब उतना ही समय लगता है जितना कोर्ट्स में। तो ये जो पांच उन्होंने मुख्य क्षेत्र छांटे हैं, उसमें से जिन तीन के बारे में मेरे को जिक्र करने के लिए कहा, एम्प्लॉयमेंट, ये तो संपूर्ण भारत के लिए आवश्यक, सबसे भारत के वंचित लोगों के लिए आवश्यक, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए भी आवश्यक। लीगल सिस्टम, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, ये महत्व के विषय हैं। हम इनके बारे में करेंगे ऐसा सोचना एक साहसिक निर्णय है, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और जितना संभव होगा मैं भी सहयोगी बनूंगा, इसका आश्वासन देता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आलोक कुमार जी, आपने तीन बिंदुओं पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। आलोक जी, आपके आश्वासन का और आपके सहयोग के आश्वासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने तीनों विषयों को बहुत ही सहजता से और सरलता से आपने सबके सामने रखा है। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी बीच ये थोड़ा सा इन बातों को, तीनों बातों को मैं समराइज कर देता हूं। अपने बीच में जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ दोनों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, दोनों अपने बीच में हैं। उनका सहयोग अपने को, वी आर गोइंग टू हैव देयर कोऑपरेशन एंड देयर वैल्यूएबल टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ई बैठक्स विच विल टेक प्लेस इन द कमिंग फ्यूचर पर्टेनिंग टू दीज फाइव इश्यूज। रामलाल हैज taken up the issue of education, students and educators, and have very succinctly summed up the whole thing by saying that the whole issue needs to be addressed by treating it as a family issue, by envisioning the family of the educational institution, which includes students, teachers, and all other employees and everybody. Once we treat the issue as a family and problem of the family, then
the question of dispute may not arise. We may, all that Nyaya Chopal is required to take up is that give a little bit of direction to the concerned groups so that their difference or their difference of opinions can be harmonized and they do not come into disputes. Similarly, the issue of domestic violence and mental health has been very apt and very briefly handled by Ramlal ji in a wonderful manner. Alok Kumar ji has handled the issue relating to employment related problems, the problem of labor workers vis-a-vis the problem of the employers, and how to harmonize those problems, that has been very very nicely brought out by Alok Kumar ji. All that Nyaya Chopal is required to take up is that hear out the problem of the workers and their viewpoint from BMS or other such like trade unions. Similarly, hear out the problems and the viewpoint of the employers and harmonize those viewpoints and try and suggest an amicable solution to their viewpoints so that we can have a via media and they do not emerge or they do not erupt as potential disputes or litigation in the courts. Alok Kumar ji has also very categorically, very clearly summed up the issue relating to traders and consumers so that they do not become the disputes, they do not land up in the law courts or in the consumer fora and and result in the problems for all those traders and consumers in the times to come. Legal system also has been very nicely addressed by Alok Kumar ji. It has got its own problems at the moment. Litigants are facing huge difficulty and the courts are also going to face difficulty when they come up, when they reopen, they are going to face massive litigation. Virtually volcano of litigation is going to erupt and we have to handle, Nyaya Chopal has to lend its helping hand to handle those problems to the extent it can so as to suggest a via media and so as to suggest a amicable solution to those problems. I would request Shri Ravi Thapar, a very senior IFS officer who has recently retired, he has expressed his desire to speak for a couple of minutes. I would call Shri Ravi Thapar and speak for a few minutes, please. Govind ji, thank you so much. और बहुत बहुत विनम्र प्रणाम. बहुत उच्च कोटि के न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बैठे हैं इस सभा में मुझे बोलते हुए. देयरफॉर आई फील वेरी हम्बल्ड. मेरा सिर्फ एक सजेशन था. मैं इस चौपाल में पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सो हो सकता है दिस प्रोग्राम इज ऑलरेडी एड्रेस्ड. मैं समझता हूँ कि न्याय चौपाल के दो दृष्टिकोण या दो फंक्शंस हो सकते हैं. एक तो एडवाइजोरियल, इतने सीनियर एडवाइजर्स हैं, इतने सीनियर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो कभी भी सिविलियन मैटर्स में ये एडवाइस दे सकते हैं. लेकिन क्या हम इस न्याय चौपाल को एज एन आर्बिट्रेशन बॉडी रजिस्टर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको आर्बिट्रेशन के लिए रजिस्टर कर दें, अगर कोई आदमी, कोई भी एंटिटी इसके साथ आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है, तो न्याय चौपाल कैन गिव अ वेरी ऑन वेरी वेरी इकोनॉमिकल रेट्स एट वेरी ऑर्डिनरी कॉस्ट. लेकिन इसमें एक कैवियट होना पड़ेगा, जो भी इस न्याय चौपाल की एडवाइस लेगा वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकता. क्योंकि अगर न्याय चौपाल ने एडवाइस दे दी है, देन इट वुड ऑलरेडी हैव गिवन इट ओपिनियन, इट कैन नॉट गो फॉर आर्बिट्रेशन. मैं समझता हूँ इससे बहुत से केसेस में स्पीड आ सकती है, और जो हमारा उद्देश्य है कि कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर इनफॉर्मली किसी एक्सपर्ट्स के नीचे ये मसले सॉल्व हो जाएं,
आई थिंक दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू रवि जी. थैंक यू सो मच रवि थापर जी, 1983 बैच फॉरेन सर्विस ऑफिसर. आज की बैठक का इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बैठक को कंक्लूड करता हूं. इसे कल्याण मंत्र से हम आज की बैठक का समापन करेंगे. कल्याण मंत्र आप डिस्प्ले कर दें इस पर स्क्रीन पर और उसका उच्चारण कर दें और उससे आज की बैठक समाप्त हो जाएगी. भद्राणि पश्यन्तु मा कलहं भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति. आज की बैठक में आए हुए सभी महानुभावों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं. आज आप सब ने इतना समय निकाला. जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस दवे, जस्टिस लाहौटी, रामलाल जी, आप सब और आप सब इस बैठक में सम्मिलित हुए. मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू.